नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के जेपी गोलंबर पे, जहां पे आरजेडी का प्रोटेस्ट चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, आज आरजेडी के यूथ विंग जो है वो विधानसभा का घेराव करने वाली है थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया है। प्रशासन के लोग जो हैं उसे जेपी गोलंबर पे ही आरजेडी कार्यकर्ताओं को रोक दिया है और यहाँ पे ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे सुरक्षा के आप देख सकते हैं कितने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस और पुलिस के अधिकारी और आरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। इस तरह से बैरिकेड्स किए गए हैं आरजेडी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। बैरिकेड्स देखिए, पूरे सड़क पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं और पुलिस प्रशासन के लोग मुस्तैद हैं, उन्हें आगे जाने से रोक रहे हैं। तो इस तरह से बैरिकेड्स लगा करके रोक दिया गया है आरजेडी कार्यकर्ताओं को। हम आपको बता दें कि कोविड और तमाम तरह के कारणों को गिनाते हुए पटना प्रशासन ने पहले ही आरजेडी कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। बावजूद इसके ये लोग सड़क पे उतरे हैं और सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खासकर शराबबंदी के मामले को लेकर ये लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है, बावजूद इसके हर गली हर चौराहे हर घर में होम डिलीवरी होता है शराब का। इसके अलावा भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे मुद्दे जो है वो जो है इसको लेकर के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? आज जो 19 लाख बेरोजगारों से चुनावी वादा किए थे वो पूरा करना होगा। आए दिन मंत्री का भाई शराब बेचने का काम कर रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार बोलते हैं कि सरकार में शराब बंद है, दूसरी तरफ इनके मंत्री शराब बेचते हैं। और शिक्षा स्वास्थ्य पूरी तरह चौपट है, कानून की राज समाप्त हो गया है। सिर्फ शराब माफिया का राज है बिहार में। गरीब को एक तरह जेल भेजने का काम कर रहे हैं, इसीलिए विधानसभा घेराव का हम रहने दो इसको। आरजेडी के कार्यकर्ताओं की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ये लोग सड़क पे उतर करके जो है खास करके मंत्री राम सूरत राय के भाई की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हम आपको दूसरी ओर ले चलते हैं, उस तरफ ले चलते हैं और दिखाना चाहते हैं लोगों से बात और आपको दिखाते हैं कि ये लोग कहना क्या चाहते हैं। अब हम आ गए हैं दूसरी ओर, जिस तरफ आरजेडी के कार्यकर्ता मौजूद हैं जिन्हें बैरिकेड्स कर जेपी गोलंबर के दूसरी तरफ ही रोक दिया गया है। यहाँ बड़ी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि आरजेडी कार्यकर्ताओं की लंबी कतार है यहाँ पे और लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ लगातार। और इनकी मांगे हैं खास करके शराब को लेकर के ये लोग सरकार पे जो है निशाना साध रहे हैं। कहाँ से आए हैं हम लोग? वो विधानसभा से आए हैं। क्या 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 मांग है आप लोग? मेन मुद्दा है सर, जो नीतीश कुमार चुनावी रैलियां में जाते थे बताते थे कि जब 19 लाख रोजगार की बात करने वाला, आज रोज पे बेरोजगारी चरम सीमा पे है। हरेक दिन हरेक घर में बेटियों का खुलेआम बलात्कार किया जा रहा है। इनका सारा सुशासन फेल है, सारा सुशासन फेल है। हमारे साथ अरुण जी हैं, आरजेडी के यूथ विंग के बड़े लीडर है। अरुण जी क्या कहना चाहते हैं? सड़क पे उतरे हैं, सरकार ने पहले तो आप लोग को इजाज़त नहीं दी थी उतरने की। क्या जेपी जी को इजाज़त मिली थी क्या 74 के आंदोलन में? जी जी जी। ऐसा एक भी आंदोलन का नाम बता दीजिए जो सरकार के खिलाफ हो और जन सरोकार के इशू को लेकर हो और सरकार ने आंदोलन करने की इजाज़त दी हो। आज कई महीनों से दिल्ली के सड़कों पर पूरे चारों तरफ पूरे देश के किसान आंदोलित हैं। क्या मोदी जी ने आंदोलन करने का इजाज़त दिया था क्या? तो ये सब जो सरकार जो तानाशाही रवैया है, देख रहे चारों तरफ किस तरीके से सैकड़ों होर्डिंग बोर्डिंग को फाड़ दिया गया, चारों तरफ युवा राष्ट्रीय जनता दल के साथियों को डिस्टर्ब किया जा रहा है, पटना इन करने से रोक दिया गया है कई साथियों को, बहुत सारी बात है। लेकिन जो जनमानस का सवाल है, बिहार के 7 करोड़ नौजवानों का भविष्य का सवाल है, इसीलिए आज बेरोजगारी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर,
अपराध के सवाल पर, कानून व्यवस्था के सवाल पर, स्वास्थ्य, शिक्षा, शिक्षकों की नियुक्ति, संविदा कर्मियों के सवाल पर, सारे सवालों पर जन सरकार से जुड़े मुद्दे को लेकर आज हम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम लोग आज विधानसभा का घेराव करने का फैसला किया है। देखते हैं सरकार में कितनी दम है, सरकार के लाठी और गोली में कितनी दम है, आज हम लोगों को रोक कर दिखाए, हम लोग बता देंगे। बिहार का नौजवान आक्रोशित है, इस फर्जी मुख्यमंत्री को आज हम लोग सबक सिखाने के लिए जनता का जो मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी है उनके नेतृत्व में हम आज तैयार हैं। अरुण जी, क्या लगता है कि सरकार जो है आप लोग से घबराई हुई है, इसीलिए आप लोग को प्रोटेस्ट करने से, विधानसभा का घेराव करने से रोक रही है? बिल्कुल, ये जनता का तो मुख्यमंत्री है नहीं, ये फर्जी मुख्यमंत्री है। जनता ने तो इन्हें रिजेक्ट किया था, चार नंबर की पार्टी हो गई। जनादेश तो आदरणीय नेता तेजस्वी जी को मिला था बिहार का सत्ता संभालने का। तेजस्वी जी ने कहा था कि हम सरकार बनाते ही और पहले कैबिनेट के पहले बैठक में पहली हस्ताक्षर से हम बिहार के 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा 19 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने कहा हम 20 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। लेकिन आज 5 महीने से अधिक हो चले इस फर्जी सरकार को बने हुए, लेकिन 20 लाख 19 लाख की नौकरी देने की बात करने वाले सरकार ने 20 लोगों को भी नौकरी देने का काम नहीं किया। लेकिन इन सारे सवालों को लेकर तेजस्वी यादव का लोग, लालू यादव का सिपाही चैन से बैठने वाला नहीं है। आज हम लोग बताने का काम करेंगे और सबक सिखाने का काम करेंगे। हम अधिकार को छीन कर रहेंगे। तो सुना है आपने, आरजेडी कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये चोर दरवाजे से आई हुई सरकार है और इसीलिए उन्हें प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, उन्हें बैरिकेड्स लगा करके रोक दिया गया है। तो आरजेडी के तमाम विंग के जो हैं लोग जो हैं वो आज सड़क पे उतरे हैं। ये चिकित्सा सेवा संरक्षण विंग के लोग हैं और ये लोग भी है सड़क पे उतरे। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग बिहार के बहुत 34 जिलों से आए हुए हैं, लेकिन हम लोग सिवान से हैं, छपरा से हैं, यहाँ बहुत सारे जिलों के लोग हैं और हम लोग अपना मांग प्रदर्शन करना चाहते हैं ताकि सरकार हमारी बातों को सुने, हमारी मांगों को मांगे। क्या क्या मांग है आपकी? 2013 में मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण चिकित्सकों का प्रशिक्षण करवाने का आदेश दिया और उनको सरकारी सेवा से जोड़ने का आदेश भी दिया था, लेकिन आज सरकार भूल गई है। हमें नौकरी में लगाने की बात तो कही जाती है, लेकिन हमारे लिए ना कोई रेगुलेटरी एक्ट का निर्माण होता है। और जब तक आप समझ सकते हैं कि जब तक रेगुलेटरी एक्ट का निर्माण नहीं होगा तब तक कोई भी बहाली होगी नहीं, और सरकार बिल्कुल कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। और इसीलिए हम लोग सरकार का जगाने का काम कर रहे हैं, सरकार को जगाने आए हैं। और आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता जो हैं यहाँ सड़क पे उतर करके जेपी गोलंबर पे जमा हो करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगातार ये लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और इनकी मांग है सरकार इनकी मांग को सुने और सरकार जो चोर दरवाजे से आई है वो इस्तीफा दे। आप देख सकते हैं कि यहाँ का किस तरह से लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लोग कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? हम लोग बक्सर से आए हैं। क्या क्या प्रोटेस्ट करने उतरे हैं, क्या मांग है आप लोग? हम लोग का मांग है जो वादा किए थे नीतीश कुमार जी चुनाव में 19 लाख नौजवानों को रोजगार देने का, जो सुशासन का ढोल पीट रहे हैं, चारों तरफ हत्या लूट बलात्कार चरम सीमा पर है, नौजवान मारे फिर रहे हैं और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, और नीतीश कुमार जी अपने सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, किसी दल को तोड़ रहे हैं, उनका तो क्षमता है नहीं, तीसरा नंबर के पार्टी बन गए। अब कितना ही जोर लगाएंगे तो सेकेंड नंबर का पार्टी बनने वाले नहीं है। नीतीश कुमार जी का सरकार हम लोग गिरा करके मानेंगे। आज हम लोग विधानसभा घेरने आए हैं, तेजस्वी यादव जी विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार को घेर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को, और हम लोग रोड पर मार्च कर रहे हैं, चारों तरफ से विधानसभा को घेर लेंगे और जब तक से उन्होंने वो नौजवानों को रोजगार नहीं देंगे नीतीश कुमार जी, हम लोग विधानसभा को आज घेर के रखेंगे।
तो इस तरह से आरजेडी के कार्यकर्ता जो है वो चारों तरफ से विधानसभा को घेरने की रणनीति बनाए हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से विधानसभा के अंदर तेजस्वी यादव जो है सरकार को घेर रहे हैं, उनके सिपाही सड़क पर उतर करके घेर रहे हैं और सरकार के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सूरज यादव कहाँ गए हैं? गांधी मैदान आए हुए हम लोग। बोलिए भैया, क्या कहना चाह रहे हैं, कहाँ से आए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा घर बाढ़ हुआ, मैं यहाँ पर बिहार में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा के चलते आज हमारे बिहार के तमाम युवा जोड़ हुए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं बिहार के हर एक जिले से यहाँ पर युवा आए हैं और नीतीश कुमार जी से आक्रोश है, जिन्होंने कहा था कि हम 19 लाख रोजगार उपलब्ध कराएंगे, आज उन्हीं को लेने के लिए बिहार के युवा आज रोड पर हैं। तो इस तरह से लोग जगह जगह से आप बताइए आप कहां से आए हैं? हम राघोपुर तेजस्वी यादव के क्षेत्र से आए हैं। राघोपुर तेजस्वी यादव का क्षेत्र है भैया, बताइए कि कितनी संख्या में आप लोग यहाँ आए? हम लोग 50,000 के संख्या में एक घंटा के अंदर में जुट जाएंगे। पूरे जिला से लोग आ रहा है मगर बाईपास और गायघाट पुल पर जाम लगा के लोगों को साजिश के तहत घेरने का कार्यकर्ताओं को काम किया गया है। यह बुद्ध की शांति भूमि और गांधी की कर्म भूमि और जयप्रकाश की आह्वान भूमि है। यहाँ से हम लोग नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में पूरे जो है से कि बिहार विधानसभा को घेरने का काम करेंगे और जो सरकार भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन, क्रिमिनलम तीन मुद्दा पर जो बात करती है वो पूरी तरह फेल है। सरकार और सरकार के अफसर मिलकर और मंत्री पूरे बिहार में दारू का कारोबार करवा रहे हैं। पूरे पुलिस प्रशासन और सिविल प्रशासन निष्ठुर और संवेदनहीन बना हुआ है। इसको विरुद्ध हम लोग ने अपराध बढ़ाया, इसके विरुद्ध, महंगाई के विरुद्ध, जो लोगों की थाली से आज दाल और अति कदी बोलता है, सब्जी गायब है, रोटी नहीं मिल रहा है, उसके विरुद्ध में विधानसभा का घेरने का काम करेंगे। और नीतीश जी जो फर्जी तरह से जो बिना पहचान की सरकार है उनकी ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम तेजस्वी जी का नेतृत्व में हम लोग करेंगे और उन्हें बिहार का गद्दी सौंपने का तेजस्वी जी का हम लोग काम करेंगे और इस फर्जी मुख्यमंत्री को हटाने का काम हम लोगों का एकदम निश्चित है। इनकलाब जिंदाबाद। इस तरह से लोग हैं और ये लोग ये हैं सज्जन जो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को हरियाणा की चुनौती राम सूरत राय ने दी थी, ये बताइए क्या कहना चाहते हैं आप राम सूरत? हम छोटी सा कार्यकर्ता है तेजस्वी यादव के, छोड़िए, हम गांधी मैदान आए हुए हैं। राम सूरत यादव जी ऐसी उपयोग बात की इस संदर्भ में शो नहीं करती है तो उसे हम कह रहे गांधी मैदान आए हुए आप हरिया लीजिए, हाँ अभी तैयार है, तेजस्वी को छोड़ दीजिए, हम अकेला काफी आपके लिए। राम सूरत जी से फरियाने का चुनौती दे रहे हैं आप? जी खुला चुनौती दे रहे हैं, ऐसी बात ये उपयोग होता है, मंत्री की ऐसी हाल होती है क्या? कार्यकर्ता लालू गांधी है, उसने जब शांत विधानसभा में बोल सकते हैं कि हम उनको फरियाते हैं गांधी मैदान में, तो अबे गांधी मैदान एक कार्यकर्ता भाजपा के लिए 10 गो पर भारी है, एक राजद का एक सिपाही। जी हम सुशील मोदी और नीतीश कुमार से आए हुए हैं 19 लाख रोजगार मांगने के लिए, जो छल से बिहार के साता में आए हुए हैं। क्या अभी उनके कानों में गोंच समाया हुआ है कि जो अभी उनका नींद नहीं खुला हुआ है 19 लाख के रोजगार के बारे में? शराबबंदी का ढोंढ पीट रहे हैं लेकिन शराबबंदी होम डिलीवरी हो रहा है, कहते हैं सुशासन बाबू हैं लेकिन कहाँ सुशासन, रोज के रोज भी अपराध बढ़ता जा रहा है और कानों में तिक्की दबाए सोए हुए हैं, कैसा यति मंडल राज है। तो इस तरह से आरजेडी के कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ जो है मोर्चा खोले हुए हैं। इनका कहना है कि सरकार चोर दरवाजे से सत्ता में आई है और उसे हम जब तक उखाड़ कर फेंकेंगे नहीं तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। अब देखिए कि जेपी गोलंबर पर आरजेडी के कार्यकर्ता इस तरह से जो है सरकार के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये लोग जो है ये लोग भी विधानसभा की घेराव करने कहाँ से आए हैं? जी बिहार राज्य मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयं सेवक संघ के प्रदेश प्रभारी सचिव राकेश झा मैं बयान दे रहा हूँ। आज सेवा पर खास सांख्यिकी स्वयं सेवकों की 7 वर्षों से कर चुकी है सरकार,
जिसमें सरकार से मांग करते आ रहे हैं चौधरी कमेटी के आलोक में, त्रिस्तरीय कमेटी के आलोक में हम लोगों को बहाल किया जाए माननीय कोर्ट के आलोक में, तो वही तेजस्वी प्रसाद यादव माननीय जो प्रतिपक्ष नेता है उनका समर्थन में हम लोग आए हैं। और माननीय मीडिया कर्मी से निवेदन है कि हमारी आवाज़ों को सरकार तक पहुँचाने का काम करें। वर्ष 2012-13 में सांख्यिकी स्वयंसेवकों की सर्वेक्षण कार्य को लेकर कोर्ट के अनुपालन में बहाली की गई थी कि शिक्षकों से गैर कार्य नहीं कराना है, उसके बावजूद भी जो बहाल कर सरकार हम लोग हटा दी, यह अब जो है कहीं भी सत्य सर नहीं है। सर इसको निकाल दिया, ये जो है सिर्फ तेजस्वी के सिपाही ही नहीं, वे लोग भी जो है तेजस्वी यादव को सपोर्ट करने यहाँ समर्थन देने आए हैं, जो कहीं ना कहीं सरकार से नाराज हैं और चाहते हैं कि ये सरकार सत्ता से बाहर जाए ताकि इनकी मांगों को सुनी जाए। आप कहाँ से आए हैं? हम बक्सर जिला से आए हैं और पूरे बिहार ग्रामीण प्रशिक्षित चिकित्सकों के हक की लड़ाई के लिए हम आज पटना की धरती पर उतरे हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि जैसे हम लोग को प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किए, उस तरह से बिहार ग्रामीण चिकित्सकों को रोजगार देने का काम करें और उनको अपने राज्य स्वास्थ्य समिति के तहत अपने संविधान में लाने का काम करें। लगातार लोग यहाँ पे अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कई ऐसे भी लोग हैं जो जिन्हें रोजगार नहीं मिली है, बेरोजगार हैं, और ये तेजस्वी यादव को समर्थन देने आए हैं। ये आरजेडी के कार्यकर्ता नहीं हैं, बावजूद इसके इसलिए समर्थन देने आए हैं ताकि इनकी बातों को सुनी जाए। ये देखिए, तो आरजेडी के कार्यकर्ता यहाँ पे लगातार जो है बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, संविदा कर्मियों और शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली को लेकर के जो है यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग दरभंगा से आए हैं आदरणीय नेता प्रतिपक्ष के आह्वान पर, इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ, इस निरंकुश सरकार के खिलाफ, महंगी बेरोजगारी के खिलाफ हम लोग एक दिवसीय विधानसभा घेराव में आए। आरजेडी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी मांग है कि सरकार जो है 19 लाख लोगों को रोजगार देने के वादा की थी और अपने वादे को सरकार पूरा करे, नहीं तो गद्दी छोड़े। चाहते हैं, क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? हमारी मांगे हैं युवाओं को रोजगार चाहिए, कि जो कि युवाओं को रोजगार के लिए वादे किए थे उन वादों पे ये लोग खड़े नहीं उतरे हैं। शिक्षा पे आप देख ही रहे हैं, बहालियाँ जो हो रही हैं वो बहालियाँ पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो पा रही है। आज युवा बेरोजगार हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं, जहाँ पे देखिए क्राइम की दर बढ़े जा रही हैं, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे हो चुका है। सभी को लेकर और किसानों के समर्थन में सभी को लेकर आज हम लोग विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, जिसमें कि पूरा युवा राजद के साथ साथ महिला के सभी लोग, विधान परिषद सभी लोग, हम लोग मिलकर आज घेराव कर रहे हैं। देख रहे हैं कि आप लोग को रोक दिया गया है, यहीं पर आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। जी, तो उनका काम है रोकना, लेकिन हमारा काम है कि अपने सभी भाइयों के साथ में रहना है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और पूर्ण जोर और सभी के समर्थन के साथ आगे बढ़ना है हम लोगों को। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? दानापुर, माननीय रितलाल यादव जी के समर्थन। ये बताइए कि आप लोग रितलाल जी के समर्थक है, क्या कहना चाहते हैं सरकार से? ये सरकार जो हम लोग के ऊपर, गरीबों के ऊपर जो जुल्म कर रही है वो अच्छी बात नहीं है। गरीबों को आर्थिक और तंगी से सब कोई मामहरता है यहाँ पे, और डीजल और पेट्रोल के इतने से दाम बढ़े हुए हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं, और गरीब लोग इसका काफी विरोध में है। आप क्या कह रहे हैं? इस बार विधानसभा घेराव करके हम लोग बेरोजगार लोग नीतीश कुमार का कमर तोड़ देंगे। इस बार से महंगाई के खिलाफ हम लोग आवाज उठा करेंगे और विधानसभा में हम लोग घुस कर नीतीश कुमार का जवाब देंगे। रामलाल यादव के समर्थक हैं और आप देख सकते हैं कि ये लोग पूरे बाइक पे सवार होकर के यहाँ पे सरकार को घेरने आए हैं। ये क्या कर रहे हैं सर? अभी महंगाई बहुत है सर, गरीबी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। हम लोग पढ़ लिख करके अनपढ़ हो गया है, हम लोग को रोजगार नहीं मिला। बीए ग्रेजुएट है, आई एम बीए ग्रेजुएट, पर सर नौकरी नहीं मिला। नौकरी नहीं मिली? नहीं मिला।
क्या किया जाए सर, कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, बेदम बदहाल हैं। सरकार को घेर करके हटा देंगे। सरकार को हम लोग आह्वान करना चाहते हैं कि हम लोग को शिक्षा रोजगार व्यवस्था नौकरी दे, या तो सत्ता से छोड़े, अपना जगह छोड़े। लाल यादव के समर्थक जी जी, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से। बिहार में जो अभी हाल है, युवाओं के साथ जो 14 लाख नौकरी देने की जो वादा की थी नीतीश सरकार, उस पर कोई भी काम नहीं कर रही है। बिहार में जो शिक्षक नियोजन वो होने वाला था, उसको भी सरकार ने लोग रोक दिया है। तो हम लोग बेरोजगारों को आवाज़ बुलंद करने के लिए निश्चित रूप से बिहार विधानसभा को घेरने का काम करेंगे। ये बताइए कि आप रीतलाल जी के समर्थन में यहाँ पे सड़क पे उतरे हैं, रीतलाल जी के समर्थन में? जी जी बिल्कुल। ये बताइए कितनी बड़ी संख्या में आए आप लोग? हम लोग 5000 की संख्या में आए हैं यहाँ। तो ये लोग रीतलाल जी के समर्थक हैं और यहाँ पे बड़ी संख्या में बाइक के साथ जेपी गोलंबर पहुँचे हैं, और ये लोग का कहना है खास करके, क्या नाम है आपका? श्याम किशोर कुशवाहा। श्याम किशोर कुशवाहा जी हैं, और इनका कहना है कि सरकार को सत्ता से बेदखल करके रहेंगे। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना, जेपी गोलंबर।